नमस्कार मित्रों, पिछले व्याख्यान में हमने सुकरात से पूर्व के दार्शनिक चिंतन की बात की थी, अर्थात सोक्रेटिस विचारकों के जो मुख्य सिद्धांत और मुख्य विचार थे उनके संबंध में हमने चर्चा की थी। आज के इस व्याख्यान में हम सुकरात के दार्शनिक चिंतन की बात करेंगे, उनके प्रमुख सिद्धांतों, उनके प्रमुख विचारों की बात करेंगे। मित्रों, आपने देखा होगा कि पाश्चात्य चिंतन की जो शुरुआत है, मैंने आपको बताया था कि पाश्चात्य चिंतन की शुरुआत मुख्यतः अगर देखा जाए तो सुकरात से मानी जाती है। और सुकरात उस समय के बड़े दार्शनिकों में से एक मुख्य दार्शनिक थे। सुकरात का जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व में हुआ और इनका जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ और लगभग 71 वर्ष की अवस्था में 399 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादित किए, कुछ ऐसे विचार प्रतिपादित किए जिनका प्रभाव न केवल पाश्चात्य चिंतन पर अपितु विश्व के चिंतन पर प्रमुखतया देखा जाता है। और उनके इन्हीं विचारों को उनके शिष्य प्लेटो ने दार्शनिक रूप से और अरस्तु ने प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ाया। अब हम बात करते हैं सुकरात की। देखो मित्रों, सुकरात के लिए ये कहा जाता है कि सुकरात तात्कालिक जो सत्ता थी उसके विरुद्ध थे। क्यों थे, उसके विरुद्ध क्यों माने जाते थे? क्योंकि उन्होंने जो तात्कालिक समय में जो न्याय की परिभाषाएं प्रचलित थी, जो न्याय की जो व्यवस्था, जो विचार प्रचलित थे, उनका खंडन किया। और जो अध्ययन में भिन्नता थी, अध्ययन के स्वरूप में जो भिन्नता थी उसका उन्होंने खंडन किया। और जो सत्ता लोलुपता, जो सत्ता में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष और खून खराबा वाली जो स्थिति थी, जो आतताई वाली जो स्थिति थी, उसका उन्होंने विरोध किया। तो इन सब कारणों से सुकरात को देशद्रोही करार दिया गया और सुकरात के विचारों का उस समय सत्ता के द्वारा और अन्य जो चिंतक थे उनके द्वारा गंभीर विरोध किया गया और अंततः सुकरात को जहर का प्याला देकर मार भी दिया गया। एक बार सुकरात को ये कहा गया था, जब वो कालकोठरी में बंद थे और उनकी मृत्यु से पूर्व उनसे कहा गया कि यदि आप जनता को नहीं भड़काओ, यदि आप युवाओं को, तरुण लोगों को नहीं भड़काओ सत्ता के विरुद्ध, तो हम आपको जीवन दान दे सकते हैं। लेकिन सुकरात ने इस बात को ठुकरा दिया और अंततः उनको जहर पीकर अपने प्राण त्यागने पड़े। अब आज हम बात करेंगे सुकरात के प्रमुख विचारों की, सुकरात के चिंतन की। देखो, सुकरात ने जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि तात्कालिक समय में जो न्याय की अलग अलग परिभाषाएं प्रचलित थी, जो न्याय के अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग विचार प्रचलित थे, उन सब का उन्होंने तार्किक रूप से, व्यवहारिक रूप से खंडन किया। और उन्होंने ये कहा कि सत्य एक होता है, सत्य अलग अलग नहीं होता। ऐसा नहीं कि मेरे अनुसार अलग सत्य, आपके अनुसार अलग सत्य और किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार अलग सत्य। सत्य एक होता है और वह हर परिस्थिति में सही होता है, हर परिस्थिति में सत्य ही होता है वो। दूसरा, उन्होंने कहा कि सत्य सबके लिए समान होता है। सत्य मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग, ये तो लोगों ने अपने स्वार्थों के कारण सत्य की परिभाषाएं बदल दी, वरना सत्य सबके लिए समान होता है, एक ही होता है। जैसे मान लो मैं किसी निरीह प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाऊं, ये मेरे लिए भी उतना ही सत्य है जितना आपके लिए और जितना अन्य व्यक्ति के लिए। तो सत्य सबके लिए समान होता है, सत्य की अलग अलग परिभाषाएं नहीं हो सकती। जैसे मैं प्रकृति के संसाधनों का उतना ही उपभोग करूं जितना मुझे आवश्यक है, ये उतना ही मेरे लिए सत्य है जितना आपके लिए और जितना अन्य लोगों के लिए। तो सत्य सबके लिए समान होता है। तीसरा, हम अंतरात्मा के गुणों के आधार पर उसे पहचान सकते हैं। कई बार बात आती है कि भाई सत्य की पहचान कैसे की जाए, तो हम अंतरात्मा के गुणों के आधार पर उसे पहचान सकते हैं कि जो मेरे अनुसार सही है वह सत्य नहीं हो सकता, यानी जो सबके अनुसार सही है वह सत्य होगा। और उसे कैसे पहचाने कि आप अपने नैतिक और सदाचारपूर्ण व्यवहार से
आप उसको पहचान सकते हो और आप उसको क्रियान्वित भी कर सकते हो। तो सत्य को हम अंतरात्मा के गुणों के आधार पर पहचान सकते हैं। चौथा बिंदु है, सत्य से हम ज्ञान और न्याय मार्ग तक पहुंच सकते हैं। ये जो सत्य की परिभाषा है, इसी से हम ज्ञान मार्ग और न्याय मार्ग तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सत्य एक व्यक्तित्व निर्माण, एक जीवन निर्माण की एक शैली है, एक न्यायपूर्ण एक वातावरण है समाज में, और ये अलग अलग नहीं हो सकता, ये कॉमन होता है, ये समान होता है। अब सुकरात का जो मुख्य जो दार्शनिक विचार है, जिसको कई बार हम कोट करते हैं, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये आता है, सुकरात कहते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही न्याय है। सुकरात ही कहते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही न्याय है। इट मीन्स वर्चू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज जस्टिस। सुकरात कहते हैं वर्चू यानी सद्गुण, सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही न्याय है। इसकी आगे और स्पष्ट परिभाषा प्लेटो ने अपने सिद्धांतों में की है, क्योंकि प्लेटो इसी सुकरात के इन्हीं सिद्धांतों को, इन्हीं वाक्यों को अपने विचारों में, अपने सिद्धांतों में, अपने दर्शन में दोहराता है, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सुकरात कहते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है एवं ज्ञान ही न्याय है, वर्चू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज जस्टिस। तो ये सुकरात के चिंतन का मुख्य ध्येय वाक्य है। अब तात्कालिक समय में जो शिक्षा का स्वरूप जो प्रचलित था, उसका सुकरात ने बहुत खंडन किया, क्योंकि वो जो पेशेवर शिक्षक थे सोक्रेटिस विचारक, जिन्होंने शिक्षा को अपने अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने लाभ के अनुसार शिक्षा के सिद्धांतों को तोड़ा मरोड़ा और सोसाइटी में, समाज में एक अलग प्रकार की विकृत शिक्षा व्यवस्था को प्रचलित किया, उन सब शिक्षा सिद्धांतों का प्लेटो सुकरात ने खंडन किया। और ये बात तात्कालिक समय में तो सुकरात की इन बातों को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन जब सुकरात की मृत्यु हो गई और जब सुकरात को जहर पिलाकर मार दिया गया, उसके बाद में सुकरात के इन सिद्धांतों को हजारों लोगों ने फॉलोअर बनकर अनुगमन किया, उनका पालन किया। तो सुकरात ने कहा, पहला बिंदु, शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है। पहली बात, शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है, ये तो जीवन निर्माण की एक, तो व्यक्तित्व निर्माण की एक शैली है, जो हर व्यक्ति के लिए उतनी ही सही है जितनी हमारे लिए। तो शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है, इसको व्यवसाय का दर्जा नहीं देना चाहिए। आपने देखा होगा गुरुकुल में जो शिक्षक जो पढ़ाते थे और जो शिक्षार्थी जो अध्ययन अध्यापन करते थे, वो दोनों ही किसी भी रूप में इसको व्यवसाय नहीं मानते थे, वो इसको अपने जीवन की एक शैली और अपना एक कर्म, अपने ज्ञान को व्यवहारिक रूप से समृद्ध करने का एक माध्यम मानते थे। दूसरा जो बिंदु है, शिक्षा का स्वरूप एक होना चाहिए। ये जो सोक्रेटिस विचारकों ने अपने अपने अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने लाभ के अनुसार शिक्षा का अलग अलग स्वरूप, अलग अलग परिभाषाएं समाज में जो प्रसारित की है, वह सही नहीं है। तो सुकरात कहते हैं कि शिक्षा का स्वरूप एक होना चाहिए। और अगर हम आधुनिक जो कॉमन सिलेबस प्रणाली की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सुकरात के चिंतन का प्रभाव भी देखा जा सकता है। हमने देखा होगा कि एक यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में एक ही प्रकार का सिलेबस चलता है। इसी प्रकार एक परीक्षा जो बोर्ड होता है, उसकी सभी कक्षाओं में एक ही प्रकार का सिलेबस चलता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सुकरात के चिंतन का प्रभाव देखा जा सकता है कि शिक्षा का स्वरूप एक होना चाहिए। और अब तो संपूर्ण राष्ट्र में एक ही शिक्षा प्रणाली की बात की जाने लगी है कि शिक्षा का स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन होना चाहिए, समान होना चाहिए। तीसरी बात जो सुकरात ने कही, वह है राज्य नियंत्रित शिक्षा होनी चाहिए। ये बात तो आधुनिक समय में भी उतनी ही सही है जितनी सुकरात के समय में प्रभावशाली थी, सही थी, कि शिक्षा व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, शिक्षा का नियंत्रण व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, शिक्षा का नियंत्रण सार्वजनिक भी यदि हो तो बहुत व्यापक होना चाहिए और वह राज्य नियंत्रित होना चाहिए। क्योंकि जब राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था होगी, तब भी उसमें समानता होगी,
तभी उसमें सिमिलरिटी होगी, वरना तो सभी लोगों के अनुसार अपनी अपनी शिक्षा प्रणाली होगी, अपना अपना सिलेबस होगा और अपने अपने परीक्षा के माध्यम होंगे और अपने अपने परिणाम जांचने के माध्यम होंगे। तो सुकरात कहते हैं कि शिक्षा राज्य नियंत्रित होनी चाहिए और राज्य भी एक समान कानूनी व्यवस्था से उसको नियंत्रित करे और एक समान सिलेबस हो सबके लिए, एक समान परीक्षा प्रणाली हो, एक समान एडमिशन प्रणाली हो। तो कुल मिला के राज्य नियंत्रित शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। चौथा जो बिंदु है, शिक्षा व्यक्तित्व विकास एवं सामाजिक व्यवस्था के लिए व्यवहारिक होनी चाहिए। यानी शिक्षा, उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा की बात की, उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा प्रणाली समाज में होनी चाहिए जो व्यवहारिक हो, जो वास्तविक हो, जो यथार्थतापूर्ण हो। ऐसी नहीं हो कि काल्पनिक हो, आदर्शवादी हो, दार्शनिक हो। उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा की बात की और व्यक्तित्व निर्माण के लिए वह बहुत आवश्यक शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, और ऐसी शिक्षा हो जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, व्यक्ति की उन्नति हो और व्यक्ति का सामाजिक स्तर और सामाजिक व्यवस्था भी उन्नत हो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की सुकरात बात करते हैं। तो ये जो सुकरात ने जो चिंतन दिया, ये बहुत मौलिक चिंतन था और ये जो चिंतन था सुकरात का, ये संवाद शैली में था। बाद में सुकरात के इसी चिंतन को उनके प्रिय शिष्य जो प्लेटो के रूप में जाने जाते हैं, और यूँ कह दीजिए कि यूनानी चिंतन की अगर वास्तविक शुरुआत कहीं से मानी जाती है, वह प्लेटो से मानी जाती है। तो प्लेटो ने सुकरात की इन्हीं विचारों को, इन्हीं चिंतन को आगे बढ़ाया, और इसकी बात हम आगे करेंगे, क्योंकि सुकरात ने जो न्याय की जो परिभाषा दी है उसको भी प्लेटो ने अपने चिंतन में बहुत व्यापक तरीके से स्पष्ट किया, और जो सुकरात ने जो शिक्षा व्यवस्था की बात की है उसको भी प्लेटो ने बहुत व्यापक रूप से अपने सिद्धांत में बताया, और बाद में फिर अरस्तु ने उसको व्यवहारिक रूप से और आगे बढ़ाया। तो आज के इस व्याख्यान में आप लोगों को मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद।